साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। राम राज्य की स्थापना तो महापुरुष ही करा सकते हैं। शासन तंत्र जब जो है जब धर्म को नीचे दबाने की कोशिश करता है तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि आज इस देश को हमारे धर्माचार्यों के अनुसार न चला करके विदेशों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो देश स्वतंत्र होते हुए भी आज ये देश स्वतंत्र नहीं है। अब बापू जी को आप देख लीजिए, अपना कण कण उन्होंने तिलांजल कर दिया। जब तक समाज के अंदर थे तो एक दिन चैन से नहीं बैठे, इस समाज को जगाने का काम उन्होंने किया। जो आज उनको जेल में डाल दिया है उसके बावजूद भी वहाँ वो अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा इस देश का आज भी रक्षण कर रहे हैं। अपने संतों को बाहर लाना चाहिए। क्या देश की न्याय व्यवस्था न्याय प्रणाली आज भी अंग्रेजों के इशारों पर चलेगी? 2013 के पहले बापू जी ने किस गति से इस समाज को जोड़ा है और उनके जेल के जाने के बाद इस देश में कितना ईसाईकरण और मुस्लिमकरण बढ़ गया है। अगर इस देश को उन्नत करना है, राम राज्य लाना है और भारत को उच्च शिखर पर पहुंचाना विश्व गुरु के रूप में, तो महापुरुष को लाना ही पड़ेगा। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। राम राज्य की स्थापना तो महापुरुष ही करा सकते हैं, क्योंकि शासन तंत्र जब जो है जब धर्म को नीचे दबाने की कोशिश करता है तो राम राज्य की स्थापना नहीं होती है। और जब धर्म के अनुरूप शासन चलना चाहता है तभी धर्म की स्थापना होती है। कि जिन्हें के इशारों पर आज ये देश 75 साल से चलाया जा रहा है, अगर इसी देश के नेताओं ने हमारे धर्माचार्यों के का अनुसरण लेकर के इस देश को चलाया होता तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती। आज हमारे महापुरुष जेल के अंदर नहीं होते, क्योंकि आज भी जिसकी स्थापना हमारे महापुरुष करना चाहते हैं, राम राज्य वास्तव में जो स्थापना करना चाहते हैं, राम राज्य के अंदर कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था, हर आदमी को स्वतंत्रता थी, कोई जात भेद भाव किसी के साथ नहीं था, सबकी सुनी जाती थी। परंतु आज तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि आज इस देश को हमारे धर्माचार्यों के अनुसार न चला करके विदेशों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो देश स्वतंत्र होते हुए भी आज ये देश स्वतंत्र नहीं है। फिर भी हमारे महापुरुष आज भी उनकी आस्थाएं अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अपनी कुर्बान किए बैठी हैं। अब बापू जी को आप देख लीजिए, अपना कण कण उन्होंने तिलांजल कर दिया। जब तक समाज के अंदर थे तो एक दिन चैन से नहीं बैठे, इस समाज को जगाने का काम उन्होंने किया। और आज उनको जब आताताइयों ने, ईसाई मिश्रियों ने, उनके इशारों पर चलने वाले नेताओं ने जो आज उनको जेल में डाल दिया है, उसके बावजूद भी वहाँ वो अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा इस देश का आज भी रक्षण कर रहे हैं। वरना ये देश 2000 में ही रसातल में चला गया होता और देश नहीं पूरा विश्व चला गया होता। आज 23 साल से वही इसको बचा रहे हैं, फिर भी आंखें लोगों की नहीं खुल रही हैं, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी राष्ट्र के अंदर होना तो समझ लीजिए उस राष्ट्र की सुरक्षा का कवच है वो। इन लोगों ने उस कवच को ही तोड़ दिया कतई। इसका हश्र क्या होगा इसकी तो कल्पना शायद कोई आने वाले भविष्य में कोई कर भी नहीं पाएगा। ये जो हमारी जो आज विडंबना जो नकली बना बना करके धर्माचार्यों को घुमाया जा रहा है, हमारे आस्था केंद्रों को तोड़ा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, हम अपना राजनीतिक पोषण तो कर सकते हैं परंतु समाज को मैं क्या दे रहा हूँ। आज भी विदेश वाले आकर के धर्माचार्यों से सलाह लेकर के और नए नए आविष्कार करते हैं
और उन आविष्कारों को तुम खरीदते हो, नौकर बन के खरीद के लाते, जो कि तुम्हारे देश के अंदर, शास्त्रों के अंदर, तुम्हारे धर्माचारों के यहाँ सब कुछ मौजूद है। हर शास्त्र में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो हमारे महापुरुषों ने हमको दी न हो, पर अगर उनकी राय मिश्रा से अगर काम किया जाता तो आज देश किसी का गुलामियत की ओर नहीं जाता, किसी को हाथ नहीं फैलाने पड़ते। कितना दुर्भाग्य इस देश का है, क्या मैं कहूँ इस बारे में, तो जो भी जितना कहा जाए वो कम ही है। फिर भी मैं आज फिर एक बार निवेदन करता हूँ अपने राष्ट्र के नेताओं से, चाहे पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, विपक्ष में भी बैठे हुए हैं तो सबसे पहले वो राष्ट्र को सर्वोपर देखें, बात को अपनी राजनीति करें, फिर बुराई करें। और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी पहले राष्ट्र को देखें, फिर कुछ अपना स्वार्थ देखें। राष्ट्र है तो देश की जनता है, शासन किस पे करोगे? जनता पर करोगे। जब जनता ही तुम्हारी खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो शासन तुम किस पे के ऊपर करोगे भाई मेरे? तो इसलिए विशेष रूप से मेरा निवेदन यही है, जो आज कुरीतियाँ हमारे समाज में, हमारे देश में फैल चुकी हैं, उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, किन महापुरुषों को लेकर के चला जाए और उनका सहयोग लिया जाए। खाली निमंत्रण भेज देने से काम नहीं चलता है, उनका अनुसरण करो भाई, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका अनुसरण नहीं करना चाहते हैं, परंतु एक को जेल में ठूंक दो और दूसरे को तो लिपापोती कर दो, तो ये शोभा नहीं देता है। बाकी ये हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा शुभ भी है, सौभाग्य की बात है। भले समय कुछ बहुत शुभ समय जो है वो मात्र 58 सेकेंड का ही है, उसी में इनको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो शुभ समय से प्राण प्रतिष्ठा हो और ये मंदिर हमारा युगो युगो तक के लिए भव्य मंदिर के रूप में सारा विश्व इसको जाने और देखे। इसके लिए मैं सारी देश की जनता को, सभी को मैं बधाई देता हूँ। और ये प्रार्थना तो बार बार मैं फिर करूँगा, अपने संतों को बाहर लाना चाहिए। क्या देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली आज भी अंग्रेजों के इशारों पर चलेगी? अब तो उसको ख़त्म करो भाई। तो मोदी जी और योगी जी को राम मंदिर का तो निर्माण वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर राम राज्य लाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो संत आसाराम जी बापू जैसे संतों की भी आवश्यकता है समाज के बीच। बिल्कुल है, अगर नहीं रखोगे तो असंभव, संभव नहीं असंभव। मंदिर तो बना दोगे लेकिन राम राज्य पर है? मंदिर तो बन जाएगा, पर जो स्थापना महापुरुष लोग करना चाहते हैं, जो महापुरुष समाज को देना चाहते हैं, इस समाज को जोड़ना चाहते हैं। अब आप देखिए 2013 के पहले बापूजी ने किस गति से इस समाज को जोड़ा है, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, पारसी भी, सभी उनके शिष्य हैं, और सभी जात वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय ही हो, यहाँ हर जाति वर्ग का है, और सबको एक सूत्र में बांध के रखा था। और उनके जेल के जाने के बाद इस देश में कितना ईसाईकरण और मुस्लिमकरण बढ़ गया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जातिवाद का जहर भी कितना घोल दिया है, बहुत बड़ा, बहुत भर गया है। अब ये सब नहीं होना चाहिए। राम राज के मतलब क्या है? राम राज के मतलब यही है कि एक हरिजन से लेकर के एक ब्राह्मण तक, जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति हित हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, और मानव के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसका हित करने के लिए आगे आए, ये होना चाहिए। आज तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, क्या देश के कितने टुकड़े, देश के अंदर कितने टुकड़े हो चुके हैं। कई राज्य तो आज अपने भारतवर्ष से, कहने के लिए तो भारत में जुड़े हैं, परंतु वो सब ईसाइयों में परिवर्तित होकर के भारत से कट चुके हैं। मैं ऐसा राम राज नहीं चाहता हूँ। मैं राम राज ऐसा चाहता हूँ कि अपनी भूमि जो है अखंड भारत की, वो आज फिर से अखंड भारत के रूप में स्थापित हो और इस विश्व का
खाली भारत देश का नहीं पूरे विश्व का में मानवता की स्थापना होनी चाहिए। जो इस संस्कृत को जगाने वाले महापुरुष हैं उनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, और जिससे जाकर के ये खाली यहाँ खाना पीना और मर जाना इतना नहीं चाहिए। ये जीव किस लिए धरती पर आया है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका आदर्श क्या है, अपने उस लक्ष्य को आदर्श को तो महापुरुष ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी ये सत्ताधीश नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब 22 जनवरी के पहले योगी जी और मोदी जी संत आसाराम जी बापू की रिहाई करवाए। भाई देखो, मेरी तो अभिलाषा यही है, अब बाकी तो किसी के ऊपर कोई शासन तंत्र है और शासन तंत्र हम बाकी इस लफ्जों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, समझदार लोग समझ सकते हैं कि इस समय देश के अंदर राष्ट्र के अंदर हमारे जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और मैं खाली कोरी प्रार्थना नहीं करता हूँ और ना किसी के तलवे चाटता हूँ, अगर इस देश को उन्नत करना है, राम राज्य लाना है और भारत को उच्च शिखर पे पहुँचाना विश्व गुरु के रूप में, तो महापुरुष को लाना ही पड़ेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।